नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई आज की कुछ ताजा फटाफट खबरें। लेकिन उससे पहले आप हिमाचल के किस जिले से ये चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुख्यमंत्री जयराम बोले, राहुल गांधी के भारत जोड़ो के साथ ही कांग्रेस नेताओं ने शुरू की पार्टी छोड़ो यात्रा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस किसी समय देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, गलत नीतियों की वजह से आज एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा पर निकलते ही कांग्रेस नेताओं ने पार्टी छोड़ो यात्रा का शंखनाद कर दिया। अन्य राज्यों की तरह हिमाचल भी इससे अछूता नहीं, कांग्रेस नेताओं में मुख्यमंत्री बनने की होड़ लगी हुई है। वरिष्ठ नेताओं को अपमानित किया जा रहा है। पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने अनदेखी व नेताओं की आपसी कलह से आहत होकर उपाध्यक्ष का पद तक छोड़ने का ऐलान कर दिया। दुलैहड़ गोलीकांड, चारों आरोपी पंजाब के, जल्द गिरफ्त में होंगे, डीजीपी ने किया मौके का मुआयना। दुलैहड़ गोलीकांड में शामिल चारों आरोपियों की पहचान हो चुकी है, सभी पंजाब के रहने वाले हैं और उनकी आपराधिक छवि भी है। शुक्रवार को डीजीपी हिमाचल प्रदेश संजय कुंडू ने खुद दुलैहड़ जाकर मौके का मुआयना किया और गांव वासियों से बात भी की। डीजीपी ने कहा कि पुलिस की जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है और जल्द आरोपी गिरफ्त में होंगे। कांग्रेस विधायक रामलाल ठाकुर हुए भावुक, बोले सीएम पद के लिए चार चार उम्मीदवार, इस्तीफा दूंगा। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने पार्टी के प्रति नाराजगी जताते हुए शुक्रवार को पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष का पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। बिलासपुर में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि वो जल्द अपना त्यागपत्र हाईकमान को भेजेंगे। वो चुनाव प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष पद और राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य के नाते काम करते रहेंगे। कुल्लू दशहरा में रघुनाथ की रथ यात्रा देखने आ सकते हैं पीएम मोदी। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा देखने आ सकते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को ढालपुर में हुए एक कार्यक्रम में कहा कि इसके लिए प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया जाएगा। सोलंग नाला की वादियों में पैराग्लाइडिंग, 2 माह बाद फिर शुरू हुआ रोमांच का खेल। लगभग 2 महीने के बाद मनाली की सोलंग नाला की वादियों में रोमांच का खेल शुरू हो गया। बरसात के सीजन में प्रतिबंधित की गई पैराग्लाइडिंग समेत कई साहसिक गतिविधियां शुक्रवार से शुरू हो गई। अब साहसिक गतिविधियों से जुड़ी विभिन्न साइट्स पर रौनक लौट गई है। रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग के लिए पर्यटक साइट्स में पहुंचने शुरू हो गए। ऐसे में पर्यटन स्थलों में रौनक लौट आई है। दलाई लामा बोले, सत्य को समझने के लिए संदेह करना भी जरूरी। सत्य को समझने के लिए संदेह करना भी आवश्यक है। संदेह उत्पन्न होने के बाद धीरे धीरे तर्क वितर्क और प्रमाण की ओर बढ़ा जा सकता है। इसी से निरुद्ध सत्य यानी बुद्धत्व की प्राप्ति होगी। तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा ने मैकलोडगंज में मुख्य बौद्ध मंदिर में आचार्य चंद्रकीर्ति की रचना माध्यमिक अवतार विषय पर प्रवचन के दौरान ये बात कही। मेडिकल पीजी कोर्स के लिए 22 से शुरू होगी पहले राउंड की काउंसलिंग। प्रदेश में मेडिकल की पीजी के विभिन्न कोर्सेज के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया 22 सितंबर से शुरू हो रही है। इसके लिए अटल मेडिकल एंड रिसर्च विश्वविद्यालय ने सभी तैयारियां कर ली। एमडीएमएस और डीएनबी के लिए 20 सितंबर तक आवेदन किए जा सकेंगे। सीएम जयराम ने बंजार को दी करोड़ों की सौगात, सेंटमेंट डोर स्टेडियम खोलने की घोषणा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष समारोह की कड़ी में आज बंजार विधानसभा क्षेत्र के मेला ग्राउंड में लगभग 7 करोड़ रुपए की 17 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी में 50 रुपए प्रतिदिन की वृद्धि की गई और पैरा वर्कर के मानदेय में रिकॉर्ड वृद्धि कर उन्हें राहत प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने पर 400 करोड़ रुपए व्यय करने की तुलना में वर्तमान प्रदेश सरकार 1300 करोड़ रुपए से अधिक व्यय कर रही है। चंबा कलौता मार्ग पर बाइक हादसे में युवक की मौत, दंपति घायल। चंबा कलौता संपर्क मार्ग पर एक बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में बाइक सवार की मौत हुई। इस दौरान सड़क किनारे बस के इंतजार में खड़े पति पत्नी भी बाइक की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को मेडिकल कॉलेज चंबा लाया गया, जहां से महिला को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल टांडा रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार हितेश कुमार पुत्र लाजपत निवासी कला लनु शुक्रवार को बाइक पर सवार होकर चंबा की ओर आ रहा था। जब वो पलूही के समीप पहुंचा तो अचानक बाइक अनियंत्रित हो गई, जिसके चलते सड़क किनारे बस का इंतजार कर रहे पवन कुमार और उसकी पत्नी रेखा बाइक की चपेट में आ गए। वही टक्कर मारने के बाद हितेश बाइक समेत नीचे गिर गया।
बीडीएस प्रथम द्वितीय तृतीय और अंतिम वर्ष की परीक्षाओं की डेट शीट जारी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बीडीएस प्रथम द्वितीय तृतीय व अंतिम वर्ष की वार्षिक परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी। डेट शीट के अनुसार प्रथम वर्ष की परीक्षाएं 28 सितंबर से 7 अक्टूबर तक आयोजित होंगी। इसके अलावा द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक, तृतीय वर्ष की परीक्षाएं 28 सितंबर से 7 अक्टूबर और अंतिम वर्ष की वार्षिक परीक्षाएं 27 सितंबर से 12 अक्टूबर तक चलेंगी। पीठ दिखाकर अपनी नाकामियां नहीं छिपा सकती है भाजपा। सुजानपुर के विधायक व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र राणा ने भाजपा पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि पूर्व मनमोहन सरकार के कार्यकाल में महंगाई पर हाय तौबा मचाने वाली भाजपा नेता अब सत्ता काल में कमर तोड़ महंगाई समेत तमाम जनहित के मुद्दों पर चर्चा से भागते फिर रहे हैं, लेकिन पीठ दिखाकर वे अपनी नाकामियां नहीं छुपा सकते। यहां जारी एक बयान में राजेंद्र राणा ने कहा कि विपक्ष के साथ साथ देश व प्रदेश की जनता सवालों की लंबी फेहरिस्त लिए बैठी है, परंतु सत्तारूढ़ दल इन सवालों पर चर्चा करने का साहस नहीं जुटा पा रहा। शर्मनाक नाबालिग छात्रा के साथ चार सहपाठियों ने कर डाली ये घिनौनी हरकत। सरकारी स्कूल की 12वीं कक्षा की एक नाबालिग छात्रा से दुराचार करने और ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो बनाने को लेकर चार नाबालिग छात्रों के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। महिला थाना ऊना में पीड़िता की शिकायत पर यह FIR दर्ज की गई। उसने आरोप लगाया कि जुलाई माह में हुई छुट्टियों के दौरान आरोपियों ने होमवर्क को लेकर उसको कॉपी लेने के लिए घर पर बुलाया। इस दौरान एक ने धक्का देकर उसे कमरे में गिरा दिया और कमरे को बाहर से बंद कर दिया। एक छात्र ने उसके साथ दुराचार किया। उसे ये सब किसी को ना बताने की धमकियां दी गई। बाद में बाकी के आरोपी उसे इस घटना का वीडियो होने का डरावा देने लगे और दुराचार करने के लिए दबाव बनाते रहे। चुवाड़ी में ब्लास्टिंग के दौरान चट्टानों की चपेट में आने से दो महिलाएं घायल। लोक निर्माण विभाग के खिलाफ मामला दर्ज। बीते दिनों चट्टाने गिरने से बाधित हुए द्रमण सिंहुता चुवाड़ी जो चंबा स्टेट हाईवे को बहाल करने में जुटे लोक निर्माण विभाग के खिलाफ पुलिस थाना चुवाड़ी में लापरवाही का मामला दर्ज किया गया है। मंगलवार देर रात भारी वर्षा के चलते उक्त मार्ग पर चट्टाने गिर गई। चट्टानों को हटाने के लिए लोक निर्माण विभाग की ओर से कई बार भारी ब्लास्टिंग की गई, जिसकी चपेट में गांव की दो महिलाएं आ गई। एक महिला के गले पर जबकि दूसरी महिला की बाजू में चोट लग गई। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग बोले, जयराम सरकार ने गरीब के करीब रहकर किया काम, दी ये सुविधाएं। हिमाचल प्रदेश के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि जयराम सरकार ने गरीब के करीब रहकर काम किया। प्रदेश की जयराम सरकार ने गरीब तबके का सहारा बनकर प्रदेश में जन कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है। ढाबे को बिजली कनेक्शन देते लाइनमैन को लगा करंट, जमीन पर गिरने से मौत। बिलासपुर जिले के पुलिस थाना बरमाणा के तहत पुलिस चौकी नमहोल के तहत ध्याणा में बिजली का काम करते समय विद्युत बोर्ड में लाइनमैन के पद पर तैनात एक कर्मचारी की करंट लगने से मौत हुई। व्यक्ति को करंट लगने के बाद अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। राज्यपाल लाल लेकर ने किन्नौर में ITBP जवानों को बांधी राखी, कही दिल छू लेने वाली बात। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किन्नौर जिले के अपने प्रवास के दूसरे दिन इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस की द्वितीय वाहिनी के मस्त रंग छितकुल और नागेस्ती पोस्ट का दौरा किया। राज्यपाल ने जवानों की कलाई पर राखी बांधी। ये राखियां गोवा के विभिन्न स्कूल से बच्चों ने भेजी थी। हिमाचल के लिए राफ्टिंग के चार टीम्स का गठन, खिलाड़ी ब्यास में दिखाएंगे हुनर। जिला कुल्लू के पिरनी में 8वीं राष्ट्रीय राफ्टिंग चैंपियनशिप होगी। प्रतियोगिता पुरुष और महिला दोनों वर्गों में आयोजित की जाएगी। वहीं हिमाचल प्रदेश की टीम्स के लिए शुक्रवार को ट्रायल किए गए, जिसमें जिला कुल्लू समेत किन्नौर, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, शिमला से पुरुषों की 10 और महिलाओं की 3 टीमें ट्रायल देने के लिए हैं। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।